पहले पानी पर अटखेलियां और फिर धीरे धीरे आसमान में रोमांच की उड़ान। ये स्विट्जरलैंड या सिंगापुर की तस्वीरें नहीं है, ये आपका और हमारा हिंदुस्तान ही है जो तरक्की की छलांग भर चुका है। भारत में सीप्लेन में सवारी का सपना साकार हो चुका है। ये सोच है इसी सीप्लेन का जायजा लेते देश के इस क्रमट प्रधान सेवक का। जी हाँ, सीप्लेन अब हिंदुस्तान के लिए सच्चाई है। एक तरफ ये गगनचुंबी लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा और उसके पास से गड़गड़ाहट के साथ गोते लगाता ये सीप्लेन। यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए रोमांच की डबल डोज इसी एकता दिवस के अवसर पर सीप्लेन में यात्रा के सपने को हकीकत में बदल देश को समर्पित कर चुके हैं। रोमांच भी और वक्त की बचत भी, क्योंकि यहाँ आने वाले सैलानी अब साबरमती नदी से केवड़िया डैम तक 220 किलोमीटर का सफर सिर्फ 45 मिनट में ही नाप देंगे, जिसमें अभी 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये सेवा हर रोज अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। इसे स्पाइसजेट की सहायक कंपनी स्पाइस शटल ऑपरेट करेगी। शुरुआत 2 फ्लाइट से होगी और जरूरत के मुताबिक इन्हें धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। सीप्लेन की पहली उड़ान प्रतिदिन अहमदाबाद से सुबह 10:15 पर शुरू होगी, जो 10:45 पर केवड़िया पहुंचेगी, और केवड़िया से पहली उड़ान 11:45 पर शुरू होगी, जो 12:15 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। वहीं दूसरी उड़ान अहमदाबाद से 12:45 पर शुरू होकर दोपहर 1:15 पर केवड़िया पहुंचेगी और वहां से दोपहर 3:15 पर शुरू होकर 3:45 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट तक का किराया सिर्फ 1500 रुपये होगा। इस उड़ान के लिए 15 सीटर ट्विन ओटर 300 विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय सी प्लेन है। फिलहाल अभी ऐसे 2 प्लेन केवड़िया पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ 300 मीटर के छोटे से रनवे से भी उड़ान भर सकते हैं, इसलिए 300 मीटर की लंबाई वाले किसी भी तालाब या जलाशय का इस्तेमाल ये हवाई पट्टी के रूप में कर सकते हैं। छोटे फिक्स्ड विंग वाला ये विमान पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन और घास पर भी उतर सकता है। अब तक इसका दुर्घटना का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए दुनिया भर में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। इसका वजन भी कम है और ये कम ईंधन में भी उड़ान भर सकता है। इसमें एक बार में 1419 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता है। केवड़िया में पहली सी प्लेन सेवा शुरू होने से अब देश भर की दूसरी नदियों से एक शहर से दूसरे शहर के बीच इस सेवा के शुरू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और ये सी प्लेन दूरी, वक्त और पैसा सब कुछ बचा सकते हैं।